रीवा के NSUI के छात्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा के खिलाफ सब यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। उनका कहना था, आम आदमी परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान, किसान परेशान, इसलिए हम लोग विरोध प्रकट करने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। रीवा में NSUI ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शव यात्रा रीवा के विवेकानंद पार्क से निकाली। उनका कहना था, कल से जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है, यह महज दिखावा है। जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं। हम लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा नहीं, बेरोजगारी का चारों तरफ आलम है, काम धंधे का अभाव है, तमाम तरीके की समस्याएं ही समस्याएं हैं। महंगाई को लेकर आम आदमी परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान, आज कौन परेशान नहीं है। इसीलिए हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री की विकास यात्रा के खिलाफ यह सब निकाल रहे हैं। हमारी टीम ने NSUI के नेताओं से बातचीत की, जब वह लोग शहर में शव यात्रा निकाल रहे थे। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। ये यात्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सब यात्रा, जैसा कि कल दिनांक 5 फरवरी से वो लोग विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस चीज की विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आपने क्या विकास किया है। असलियत में है क्या कि शिवराज सिंह जी को पता हो चुका है कि अब हमारी कुर्सी जाने वाली है, अब हम मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं, इसलिए वह विनाश यात्रा निकाल के पब्लिक को बता रहे हैं कि हमने विकास नहीं सिर्फ विनाश किया है। चाहे वो छात्र की बात हो, चाहे वो युवा बेरोजगार की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, हम सब किसान परिवार से आते हैं। किसानों के लिए कमलनाथ जी की सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए थे, बेरोजगारों को महंगाई भत्ता दिया था, वृद्धा पेंशन बढ़ा के 600 रुपए किया था, और शिवराज सरकार ने सिर्फ उसको कैंसिल किया है और भ्रष्टाचार मचाए हुए है। चाहे वो छात्रों के नाम से वैकेंसी निकाल के फीस, भारी भरकम फीस ले ली जाती है, फिर या तो वैकेंसी निरस्त कर दी जाती है या उनके पैसे नहीं वापस किए जाते हैं। सिर्फ यही काम शिवराज सरकार कर रही है, और वो विकास नहीं सिर्फ विनाश यात्रा निकाल रही है। कहाँ से कहाँ तक निकलनी है ये यात्रा? हम लोग कॉलेज चौराहा से शिल्पी प्लाजा से घूम के फिर वहीं पे शिवराज सिंह जी को फूंक देंगे, भी उनकी अर्थी को स्वाहा कर देंगे। क्या नाम है आपका? रवि सुमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष NSUI। आज हम लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की शव यात्रा निकाले। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की कल से विकास यात्रा शुरू हुई है। हम बताना चाहते हैं छात्र युवा कि किस चीज का विकास भारतीय जनता पार्टी जाना जा रही है, कौन सा विकास हुआ है। युवा परेशान है, दर दर भटक रहा है, छात्र परेशान है, छात्रवृत्ति रुकी हुई है उनकी, कई सालों से छात्रवृत्ति नहीं आ रही, छात्र अगले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके बाद युवा लगातार रोजगार के लिए भटक रहा है, छात्र परेशान है कि शिक्षक नहीं है कॉलेजों में, शिक्षक की भर्ती नहीं निकाली जा रही, जो शिक्षक है अतिथि में है, हम चाहते हैं उनको नियमित किया जाए। क्यों लगातार छात्र, जो लगातार छात्रों के विरोध में है सरकार, युवाओं के विरोध में है, लगातार किसानों के विरोध में है, किसान परेशान है, रात को 12 बजे लाइट देते हो, ठंडी में कौन जाएगा पानी लगाने, आप जाओगे? जो शिवराज सिंह घोषणा मशीन बने हुए हैं, लगातार घोषणा कर रहे हैं कि हम छात्रों के लिए ये कर रहे हैं, अभी बजट आया उसमें बोले कि वो 8,000 37,000 शिक्षक भर्ती होंगे, कहाँ भर्ती हो रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी आपने, 2 करोड़ रोजगार दिए? युवा परेशान है, लगातार दर दर भटक रहा है, कहीं 5,000 की नौकरी कर रहा है दुकानों में, किस चीज का विकास की आप यात्रा कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। ये युवा ठान चुका है कि आने वाला 2023 का चुनाव वो ये छात्र युवा जवाब देंगे। जो छात्र परेशान है, जो कॉलेज जाते हैं, शिक्षक नहीं है वहाँ, शिक्षक क्यों नहीं है कॉलेज, छात्रवृत्ति क्यों रुकी हुई है, कोई जवाब क्यों नहीं देता, यहाँ जाते हैं तो कहा जाता है कि आपकी ऊपर से रुकी हुई, ऊपर कौन बैठा है आपके, कौन रोका है,